बीजेपी कांग्रेस के कर्नाटक किले में भी सेंध लगाने में करीब करीब कामयाब हो गई है। कांग्रेस और सिद्धारमैया की सारी कोशिशें फेल हो गई। वो लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने से लेकर कर्नाटक का अलग झंडा तक का कार्ड चले, लेकिन कोई काम नहीं आया। बीजेपी की कामयाबी का आधार प्रधानमंत्री मोदी ने रखा और सत्ता की हारी हुई बाजी में वापसी करने में कामयाब हो गई। तो आइए जानते हैं उन 5 कारणों के बारे में जिसने बीजेपी की कामयाबी में अहम भूमिका निभाई। नंबर 1, मोदी मैजिक। कर्नाटक में एक बार फिर से मोदी मैजिक चला। खुद पीएम मोदी ने राज्य में बीजेपी की कामयाबी का आधार रखा। मोदी के उतरने से पहले राज्य में बीजेपी की हालत काफी पतली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 21 रैलियां करके हारी बाजी को पलट कर रख दिया। नंबर 2, लिंगायत का साथ। लिंगायत समुदाय का बीजेपी पर भरोसा कायम रहा। कांग्रेस ने उन्हें अलग धर्म का दर्जा देने का कार्ड चला, लेकिन वो काम नहीं आया। सूबे में करीब 17% लिंगायत समुदाय के वोट हैं। इतना ही नहीं, किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले इस समुदाय का सूबे के करीब 76 सीटों पर प्रभाव माना जाता है। लिंगायत के मजबूत गढ़ माने जाने वाले सेंट्रल कर्नाटक में बीजेपी के लिए नतीजे बेहतर आए हैं। नंबर 3, रेड्डी बंधुओं पर दांव। अवैध खनन मामले के आरोपी जनार्दन रेड्डी पर बीजेपी का दांव लगाना फायदे का सौदा रहा। बीजेपी ने रेड्डी बंधु के परिवार के करीब आधा दर्जन लोगों को टिकट दिया था। इसके अलावा उनके कई करीबियों को भी टिकट दिया गया था। इतना ही नहीं, रेड्डी बंधु को बेल्लारी के आसपास की सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका नतीजा सबके सामने है। नतीजों के मुताबिक बेल्लारी इलाके में कमल खिलता दिख रहा है। नंबर 4, येदियुरप्पा श्रीरामुलु के साथ का फायदा। कर्नाटक में बीजेपी के लिए येदियुरप्पा और श्रीरामुलु की वापसी भी फायदेमंद रहा। 2013 के चुनाव में येदियुरप्पा की बगावत बीजेपी के लिए महंगी साबित हुई थी। पिछले चुनाव में येदियुरप्पा की पार्टी ने 10 और श्रीरामुलु की पार्टी ने करीब 3% वोट हासिल किए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को साथ मिलाकर अपनी हार का बदला कांग्रेस से चुका लिया। और नंबर 5, सोशल इंजीनियरिंग। कर्नाटक में बीजेपी की जीत में प्रमुख कारण जातीय समीकरण भी रहा है। बीजेपी कर्नाटक में लिंगायत समुदाय से लेकर आदिवासियों और दलितों को साधने के साथ साथ ओबीसी मतों को एकजुट करने में कामयाब रही। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में दलित और आदिवासियों की बात को काफी जोर शोर से उठाया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।